हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल JKSS में ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे। मेरा नाम है अजय और हमारे पास सेट पहुंच चुका है रीजनिंग और मैथ का। तो मैं क्या करके इसको डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए उनको अपने स्कोर पता चल सके और जो नेक्स्ट डे जिसका एग्ज़ाम है वो क्वेश्चन इसको सॉल्व कर पाए और साथ में देखेंगे कि इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन, डेट इज सेशन सेक्शन नंबर टू। रीजनिंग का सेक्शन पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। तो मैंने कल ही आपको मैराथन की क्लास में करवाया था, ये परसों की क्लास में। तो मैराथन की क्लास जो बच्चा देख के गया होगा आज के एग्जाम में, देखते हैं कितने क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। तो आपको बताना है सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या है। देखो ये मल्टीप्लाई का दिख रहा है ना, एकदम बढ़ता हुआ। मैंने बताया था जब नंबर बढ़े तो मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये किससे मल्टीप्लाई किया हुआ, तीन से। इसको किससे किया हुआ है देखने एक बार, तीन से तो नहीं हुआ, चार से किया होगा। तो 240 और 12, तो हाँ चार से हुआ। इसको देखो किसके किया है, ये पाँच से किया ना, पाँच दो दस, एक 25 और एक 26 का, दो 10 12। ठीक है, अब किससे करना, अब छः से करना है। तो आंसर क्या होगा, 0 6 6 है, 36 बच गया। आगे तीन 12 3 15 का एक, छः और एक 7, 7 5 6 0 ऑप्शन नंबर टू। वैसे भी यहाँ तक दूसरा नंबर छः था, छः किसी ऑप्शन में नहीं था और ये आंसर आ चुका था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं गाइस, सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है। जो भी बच्चा बी ऑप्शन करके आया है सो मुबारकें, आपका आंसर सही था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। टाउन ए इज टूवर्ड द वेस्ट ऑफ द टाउन बी, टाउन सी इज टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ टाउन ए, टाउन ई इज टूवर्ड द वेस्ट ऑफ द टाउन सी, टाउन ई इज टूवर्ड विच डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ बी। तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कोडेड फॉर्म क्या है, क्वेश्चन आसान ही है। जो टाउन ए है वो क्या है, बी के वेस्ट में। यहाँ बना लो बी, इसके वेस्ट में कौन है, ए। आगे क्या बोला हुआ देखो, टाउन सी है वो क्या है, नॉर्थ है ए के। टाउन सी क्या है, ए के नॉर्थ है। इसका नॉर्थ किस साइड होगा, इस साइड होगा ए, ये सी हो गया टाउन। उसके बाद क्या बोला, टाउन ई है वो वेस्ट है किसके, सी का। तो इसका वेस्ट इस साइड हो गया टाउन ई। पूछा क्या है, विच डायरेक्शन ऑफ टाउन, टाउन ई जो है वो किस डायरेक्शन में, बी की। ये बी है, इसके किस डायरेक्शन में है, इसके वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने आ चुका होगा, साथ साथ सॉल्व कीजिए। जो पेपर दे के आए उसको तो पता ही होगा, जो नहीं दे के आए वो साथ साथ सॉल्व कीजिए, आपको कितना क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले देखा मैंने ट्राइंगल का फेस, उससे ऊपर है कॉर्नर, फिर नीचे, फिर ऊपर, अब नीचे आएगा। नीचे वाला ऑप्शन ये तो नहीं है, ये हट गया। अब इसमें देखो कितने ये स्क्वायर टाइप मतलब रेक्टेंगल फील्ड बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब तीन कम किए हैं। आगे देखो तीन, फिर तीन कम किए, आगे फिर तीन कम करो तो जीरो होना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। जो भी बच्चा डी लगा के आया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, इस कोड के हिसाब से आपको बताना है इसका कोड क्या होगा। ये सिंपल देखिए, देखिए सबसे पहले आपको निकालना है नाइन का। तो नाइन का कोड क्या है आपका, नाइन का कोड है आर। सबसे पहले आर होना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेट। उसके बाद आगे एम है, मैं देखने की जरूरत नहीं है। फिर देखो ए ए देखने की जरूरत नहीं है, एट दी कॉपीराइट का साइन है तो देखने की जरूरत नहीं है। पी पी इसको देख लो, तीसरे को मतलब आपको सेकेंड लास्ट देख लो। सेकेंड लास्ट क्या है, पाँच। पाँच का कोड क्या है आपका, पाँच का कोड है पी। तो ये पी होना चाहिए, ये ऑप्शन में इलिमिनेट, बचे दो ऑप्शन। लास्ट में देख लो क्या है, लास्ट में आपका फोर, फोर का कोड क्या है, फोर का कोड है परसेंटेज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। तो चार क्वेश्चन हमने कर लिए, चारों क्वेश्चन ही बिल्कुल इजी लेवल के थे। कल ये क्वेश्चन भी कल आया था, ये तो आते ही आते हैं सारे क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अभी तक ये वाला हो गया, तो इस फॉर्म का कोडेड फॉर्म आपको ब्लड रिलेशन में कुछ नहीं। अगर आपने बेसिक आपको बनाना आता है, इसकी डायरेक्शन पता, तो ये बेसिकली डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा कोडेड फॉर्म, आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें मिसिंग टर्म कौन सा। तो मैंने ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ आपको करवाया था, सेम पैटर्न करवाया था। तो देख लीजिए ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला देखो डबल डबल, इसका डबल यहाँ पे 32 आएगा, 1/32 ऑप्शन नंबर बी। चलिए 2 सेकंड का क्वेश्चन था, अभी तक कोई भी क्वेश्चन बाहर से ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो। इसको देखिए, कल भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, ये भी क्वेश्चन कल आया था। इसमें से आपको बताना है जो क्या है, एक डिफरेंट है बाकी वालों से। सब में तीन तीन फिगर है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे ये तीनों फिगर आपस में टच नहीं करे, दो दो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो दो का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये भी दो दो का है। अगला देखिए, ठीक है। अब इसमें तीनों वाला कोई केस नहीं आया। अब हम देखते हैं इसको और कैसे देखेंगे। अब हमें ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कौन सा कॉमन है सब में। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने देखा यहाँ पे सर्कल क्या है, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे भी सर्कल दोनों में कॉमन है, यहाँ पे सर्कल दोनों में कॉमन नहीं है,
यहाँ पे भी सर्कल दोनों में कॉमन है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सी आना चाहिए। बाकी देखते हैं जेकेएसएसबी क्या करता है, मेरे हिसाब से आंसर विल बी सी। सो आगे देखते हैं, अगर आप सी लगा के आए हैं तो आपका क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन कल भी एक आया था आपको, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में आया था। क्वेश्चन बोल रहा है कि 180 टोटल बच्चे हैं, उसमें से 90 क्या बोलते हैं, बंगाली। तो 90 सिर्फ और ओनली वाले नहीं है, हो सकता है इनमें से कुछ बच्चे मराठी भी बोलते हों। ये 90 बच्चे टोटल हैं जो इंग्लिश बंगाली बोल पाते हैं। 70 क्या है, जो आपके मराठी बोल पाते हैं, तो ओनली वाला केस ही नहीं है। इसमें से 50 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं बोल पाते, और बताना है कि बताओ जो दोनों लैंग्वेज बोल पाएंगे। तो देखो ए यूनियन बी होता है टोटल बोलने वाले, ये हमेशा होता है नंबर ऑफ ए में कितने हैं प्लस नंबर ऑफ बी में कितने हैं माइनस दोनों में कॉमन क्या है जो दोनों बोल पाते हैं। अब आप देखो नंबर ऑफ ए में मतलब मराठी बंगाली वाले कितने, दो बंदे हैं, 90, बी में कितना है, 70। ये मुझे निकालना है कि दोनों में कितना बोल पाएगा। लेकिन यहाँ पे छोटा सा लॉजिक है कि यहाँ पे बच्चे इसको टोटल 180 रख लेते हैं, लेकिन 180 टोटल नहीं रखना। ये वो बच्चे होते हैं दोनों बोलने वाले कॉमन, जो दोनों में होता है कोई ना कोई एक बोलते हैं, जो जैसे कोई मराठी बोल रहा है कोई बंगाली या दोनों बोल रहा है, मतलब सारे बोलने वाले हैं ये। तो आप बताओ अगर 180 टोटल हैं, इसमें से 50 कुछ भी नहीं बोल पाते, इट मीन्स कि 50 निकाल दो बचे कितने, 130। तो 130 ऐसे बच्चे होंगे जो क्या है कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोल पाते हैं। तो बस हो गया आंसर, यहाँ से फाइंड कर दो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या है, ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड चला गया, टोटल इसका हो गया कितना 160, और 130 माइनस कर दो आंसर कितना आ गया 30। दोनों बोलने वाले कितने हैं, 30। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है, बाकी कोई करेक्शन होगी बाद में हम करवा देंगे, फिलहाल तो मेरे हिसाब से ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपके क्वेश्चन, कितने हो गए क्वेश्चन हमारे, ठीक है 27 तक हो गए, 7 क्वेश्चन कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट 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 27 के बाद ये आ गया ना 28 क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 28 देखो। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे वैल्यू में दिया हुआ है, क्वेश्चन अच्छा ही। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मीना वॉक करती है आपका 26.6 मीटर्स टूवर्ड द साउथ। चलिए सॉल्व करते हैं एक बार, यहाँ से स्टार्ट करती है कितना 26.6 मीटर आता है साउथ, यहाँ पहुँच गया, पहुँच गई मीना, ठीक है। यहाँ से वो लेती है राइट टर्न, तो ये हो गया सर राइट, कितना चलती है 19.5 चलती है, ठीक है। उसके बाद फिर से वो 23.4 मीटर चलती है लेफ्ट, तो लेफ्ट नीचे होगा, इस साइड आ गया। लेफ्ट राइट तो आपको पता ही होना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करके गए हो तो। देन उसके बाद फिर से वो लेती है अपना लेफ्ट टर्न 8.5, तो 8.5 लेफ्ट यहाँ से पीछे आ गई 8.5। पूछा क्या है, अगर तो पूछा किस डायरेक्शन में खड़ा है तो फिर तो क्वेश्चन ठीक था, लेकिन पूछा कि वो कितनी दूर है स्टार्टिंग, मतलब ये पॉइंट की दूरी निकालनी है, तो यहाँ से ये दूरी निकालनी है। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता लग रहा है, कोई बात नहीं, ये आ गया सीधी लाइन, इस लाइन को मैंने पूरा उठा लिया, कितना ये 26.6 यहाँ तक है, 26.6 यहाँ तक है, और नीचे कितना है, मतलब ये 23 है तो ये भी 23.4 होगा, ठीक है। टोटल कितना बना 23, 49 और एक हाँ 50 बन गए ये। अब ये कितना बना, क्योंकि यहाँ से ऐसे आना था ना, तो 8.5 पीछे आ गया, टोटल कितना इस साइड 19.5 में 8.5 निकाले कितने बचे 11, इसका मतलब ये जो दूरी बची ये वाली कितनी है 11। अब आपको ये दूरी निकालनी थी डायरेक्ट, बस ये 90 डिग्री है, तो एच क्या होता है, एच होता है आपका दोनों छोटी साइड का स्क्वायर और उसका अंडररूट, कितना आ गया ये 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 121 कितना हो गया 2621। 2621 लगभग 50 का स्क्वायर 2500 होता है, 50 के स्क्वायर से थोड़ा सा ज़्यादा कोई दिख रहा है 45 तो हट गया, 70 का स्क्वायर तो 49 समथिंग होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो आंसर आ गया बी ऑप्शन, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं मतलब मॉडरेट लेवल में रखता हूँ, ठीक है, मॉडरेट लेवल में अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आसान क्वेश्चन है, जो आपकी शीतल है वो क्या है, सिस्टर ऑफ, ये सेम डिट्टो क्वेश्चन मैंने कल भी आपको करवाया था, ये डिट्टो क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, तो आज करवाने की जरूरत नहीं है, कल का वीडियो देख लीजिए, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो आपको बनाना है बेसिकली बबीता की डॉटर बनानी है, उसका भाई बनाना, फिर उसकी शीतल क्या है, सिस्टर है, तो ये आप बना सकते हो, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तो अगर कल की वीडियो देखिए तो इसको देख के मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना, ठीक है। चलिए इसका आंसर बता देना, आंसर मैं आपको बताता हूँ आपको सॉल्व करना है। चलो तुम में से बहुत बच्चे होंगे जिसको लगा सर नहीं कल वाली वीडियो देखने में आलस करते हैं, चलो मैं सॉल्व इसको करवा ही देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि शीतल को क्या बनाना है, सिस्टर बनाना है, किसकी, बबीता की डॉटर के भाई का। चलो बबीता बनाई मैंने, ये बबीता लड़की है, ठीक है, बबीता की डॉटर, इसकी एक डॉटर बना दी, उसका भाई, उसका भाई ये बन गया,
ये बन गया उसका भाई। इसकी क्या है वो सिस्टर है, तो इसकी एक सिस्टर बना दो। ये भी हो सकती है वो, ये भी हो सकती है, अलग से भी हो सकती है शीतल, या ये भी हो सकती है। अगर ओनली बोलता तो यही बनाता, तो अलग से भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बबीता इसकी माँ है, इसकी भी माँ है, तो इसकी भी माँ होगी, सारे बहन बहन भाई हैं। तो पूछा गया बबीता क्या रिलेशन, तो बबीता क्या लगी, मदर लगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीन को ट्राई बोलते हैं तो बताओ टेन को क्या बोलेंगे, टेन को क्या बोलेंगे, टेन को डेका बोलेंगे। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए गाइस, बताना क्या है इसमें, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। आपको बताना है विच लेटर्स रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट हु आर डॉक्टर एज वेल ए डांसर बट नॉट साइंटिस्ट। सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन कल भी आया था, जिस बच्चे ने मेरा वीडियो देखा होगा वो आसानी से कर लेगा, बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखते हैं एक बार, सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो आर्टिस्ट होना चाहिए। आर्टिस्ट क्या है आपका, देखिए 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 देखिए, आर्टिस्ट क्या है, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में होना चाहिए, ठीक है। होना क्या नहीं चाहिए, सीधा देख लो, साइंटिस्ट नहीं होना चाहिए। साइंटिस्ट क्या है आपका, साइंटिस्ट है आपका जिसका ट्राइंगल का फेस ऊपर है, तो वो ये वाला इसके अंदर नहीं आना चाहिए, इसके अंदर नहीं आना चाहिए, और बाकी तीनों में आना चाहिए। ये ऑप्शन हट गए, बाकी ये एच भी हट गया क्योंकि इसमें आ रहा है। अब तीनों में आने वाला कौन सा बच गया आपका, तीनों में आने वाला ये बी देखूँ तो बी इस सर्कल में नहीं आ रहा है ना, इस सर्कल में नहीं आ रहा, तो बी भी आउट हो गया। अब जी देखो, जी बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है। अगर मैं बात करूँ सी की, तो सी भी आ रहा है, सी भी तीनों में आ रहा है। इट मीन्स कि आंसर होगा जी सी, आंसर होगा क्या, जी और सी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी को देख लेते हैं 35 को ही। इसमें से आपको बताना है कि फिगर डिफरेंट कौन सा है, तो देखते हैं। कैप सबकी ओके है, नाक भी ओके है। हाँ ये देखो, इसकी बाजू में ये वाली चीज़ नहीं बनी हुई ना, तो ये ऑप्शन आंसर आएगा। और भी कोई डिफरेंस दिख रहा है, देखो इसके तीन तीन ये बटन, हाँ इसके देखो बटन भी लगे हुए हैं एक्स्ट्रा, तो यही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, सेंचुरी को 100 बोलते हैं, मिलियन कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। 1 मिलियन ट्वीट हो गया, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। कितने जीरो चाहिए, तीन तीन छः जीरो चाहिए, तीन तीन छः पहले वाला ऑप्शन आएगा। ये कितना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, तो ये लाख है, तो मुझे चाहिए था मिलियन, तो आंसर आ गया ए ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कल भी एग्जैक्टली कराया था। देखो यही क्वेश्चन है जो आपने मेरी कल की क्लास भी देखी होगी, मैराथन देखी होगी, तो आप रीजनिंग में आसानी से 17-18 क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल भी बताया था इस कोड वाली फॉर्म में आप क्या करोगे, इसमें उल्टा क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है, आपको बताना है इसके अंदर एज पर ये कंडीशन के अंदर सी ए का क्या लगा, तो स्टार्ट करो उल्टी साइड से सी, बाद में पीछे क्या है यहाँ पे, तो इसको एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेता हूँ। मुझे सारे प्लस दिख रहे हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं एक बार ओरिजिनल पेपर देख के बताता हूँ आपको, एक मिनट रुकना। चलिए एक बार मैं इसकी पूरी करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे है आपका प्लस का साइन, उसके बाद है यहाँ पे आपका डिवाइड का, देन 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 आपका फिर से डिवाइड है, उसके बाद मल्टीप्लाई है। चलिए सी प्लस एस, तो प्लस वाला देखिए क्या है, ये है प्लस वाला, प्लस वाला मतलब पहले वाला क्या बनेगी, वाइफ बनेगी दूसरे की, तो ये दूसरा है, इसके पहले वाला क्या बनेगी, एस इसकी वाइफ बनेगी, पहले वाली क्या बनेगी, वाइफ बनेगी, तो ये हस्बैंड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एस के बाद डिवाइड के पास जाना है, डिवाइड कहाँ पे है, ये है डिवाइड, डिवाइड का मतलब पहले वाले को क्या बनाना है, क्यू का सन बनाना, तो पहले वाले को इसका एस से बी का रिलेशन, इसका सन बना दो, कौन आपका क्यू, इसका सन बन गया, ठीक है सन बन गया। क्यू के बाद मल्टीप्लाई देखिए, डिवाइड एक ही बार हुआ ना, अभी तीन ही रेशियो बनाया ना हमने यहाँ तक बी तक, अब बी के बाद क्यू भी बनाना था, ये आ गया आपका बी, बी के बाद देखो फिर से डिवाइड, डिवाइड का मतलब सन, फिर इसका सन बनाओ कौन, क्यू, क्यू के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कहाँ गया, हाँ ये है मल्टीप्लाई का मतलब पहले वाले को ब्रदर बनाना है, इसका भाई बना दो, किसको ए को, कौन है ये ए, तो ये आपका क्यू। पूछा क्या था आपका, पूछा था सी का ए से क्या रिलेशन है, तो सी का देखो ए से क्या, ये है सी, तो ये सी के क्या है, सी मेल है, तो इसके बेटे, इसका बेटे के बेटे का भाई, तो मतलब क्या हुआ, ये क्या था ब्रदर था ना, तो बेटे के बेटे का भाई मतलब क्या हुआ, सी क्या लगा आपका, क्या लगा दादू लगा, दादू मतलब ग्रैंडफादर, इसका आंसर आएगा सी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था लेकिन मैंने कल करवाया था, इस बच्चे ने कल वीडियो देखा होगा वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, इजिली कर लेगा वो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 क्वेश्चन देखिए, एक आधा क्वेश्चन आपको मैं कमेंट सेक्शन के लिए भी छोड़ूंगा, आपको आंसर देना उसका। ट्रेन का कोड है आपका PTC, ठीक है, तो कोडिंग आप देखनी है। मैंने देखा यहाँ पे ट्रेन का
20 नंबर पे आता है, पी आता है कितना 16 पे, मतलब माइनस 4 कर रहा है। ठीक है, अगले देखिए, आर के बाद एस टी प्लस 2, ए के बाद सी प्लस 2, आई के बाद के प्लस 2, एन के बाद जे, तो मतलब फिर से कम किया कितना, जे आता है आपका 10, 14, 4 का। इसका मतलब पहले और लास्ट में चार चार कम करना, बाकी वाले में दो दो ऐड करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, पी में जैसे एल में देख लो, दूसरे नंबर पे दो ऐड करें ना, एल में 12 पे दो ऐड करो, कितना आ गया एम एन, एन आना चाहिए दूसरे नंबर पे, एन है किसी पे, तो पहला ऑप्शन ये आंसर आ गया मुझे, बाकी तो करना ही नहीं पड़ा क्वेश्चन। ठीक है, आंसर आ चुका है मेरा, ये क्वेश्चन हो गए मेरे कितने 34 तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट मैं एक बार निकाल लेता हूँ। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है क्वेश्चन में, अगर मैं पहले को देखूँ मल्टीप्लाई हो सकता है कि मल्टीप्लाई हो रहा हो, चेक करते हैं। पहले को 11 मल्टीप्लाई 1 किया और माइनस 1 किया तो 10 आ गया। ठीक है, इसी हिसाब से 10 मल्टीप्लाई 2 करके अगर मैं माइनस 1 करूँ तो इसी हिसाब से बनता है 19। खैर ऑप्शन में तो है, लेकिन आगे पैटर्न देखते हैं। 19 को मल्टीप्लाई फिर 3 होना चाहिए, कितना हो गया 19 मल्टीप्लाई 3, ये तो बहुत दूर चला गया। अगर मैं 2 से भी करूँ 38 तो भी बात नहीं बनी। फिलहाल तो मल्टीप्लाई का पैटर्न मुझे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, आगे देखते हैं और क्या बन सकता है। डिफरेंस देखें तो माइनस का 1, इससे नहीं पता। इसका डिफरेंस देखते हैं, 5 16 में 5 क्या 9 और 5 39, इसका डिफरेंस देखते हैं, ये तो बहुत दूर चला गया, हो डिफरेंस भी नहीं बन रहा, तो फिर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बाद में, मेरे से भी फिलहाल ये नहीं हो रहा है, मैं इसको करके आपको कमेंट सेशन में इसका आंसर बता दूंगा। फिलहाल जिस बच्चे का हो जाता है वो भी मुझे कमेंट करके बताएगा। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे से तो इसका पैटर्न नहीं बना है, क्योंकि हम भी कोई भगवान नहीं है, तो आपकी तरह ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका मैं आंसर आपको निकाल के थोड़े टाइम में कमेंट सेशन में बता दूंगा, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा हम कोशिश करते रहे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। नवीन्स फादर्स ओनली डॉटर सन्स इज अर्नब, अर्नब गोस्वामी आ गए हमारे मीडिया वाले। ठीक है, पहले बनाना है नवीन्स, ठीक है पहले बनाना नवीन्स, ये बन गया मेरा नवीन। इसके फादर्स बन गए, उसका अकेला बेटा वापिस नवीन आ गया। फादर्स ओनली डॉटर, ओनली डॉटर, ये डॉटर ओनली डॉटर बनानी, तो ये डॉटर बनेगी। ठीक है, ये डॉटर है, सॉरी नवीन फादर सन नहीं बोला था, डॉटर बोला था। फिर डॉटर्स का सन, जो डॉटर का सन है वो है कौन, अर्नब गोस्वामी जी हमारे मीडिया वाले। क्वेश्चन ये था कि नवीन के पापा उसकी अकेली बेटी बना दी, ये नवीन की बहन बनी। देन उसके बाद उसका सन, तो सन कौन बनेगा, वही कौन है, अर्नब है, तो वही अपने अर्नब जी। बोल रहा है कि हाउ अर्नब रिलेटेड टू नवीन, तो अर्नब नवीन का क्या रिलेशन है, बताइए क्या रिलेशन है। अर्नब क्या लगा, अर्नब इसका लगा भतीजा, डैट इज नेफ्यू, क्योंकि अर्नब कि मम्मा का भाई है ये, तो मतलब मामू लगे, लेकिन ये इसका क्या लगा, ये नेफ्यू ही लगेगा, भतीजा ही होता है। ठीक है, सारे रिलेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, ये ब्लड रिलेशन के तो क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लैंग्वेज है आपका कोडेड फॉर्म में दी हुई है, फिर इसको कोड बनाना, कल भी मैंने कोड का क्वेश्चन करवाया था आपको, करते एक बार इसको सॉल्व। सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, पहले दो सेंटेंसेस में कॉमन क्या है, तीन, ये तीन इसके कोड है, कॉमन दिख रहा है आर ए, आर ए कॉमन है, इट मीन्स कि आर ए का कोड मुझे यहाँ से मिल जाएगा। दोनों में देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या है, तो ये वाला निशान दोनों में कॉमन है। ठीक है, चलो आर ए का कोड मिल गया, आपको चाहिए एल ए, तो एल ए तो इसमें भी है, इसमें मुझे एक पता चल गया, अगर एक कोई और मुझे कोड पता चल जाए तो मेरा अपने आप आंसर आ जाएगा। इन दोनों में एम ए या आर ए में मुझे पता चल जाए, फिर मैंने देखा कि मुझे एम ए चाहिए, एम ए यहाँ पे और कहाँ कॉमन कमी, एम ए दिख रहा है यहाँ पे भी दिख रहा है, एम ए यहाँ पे भी दिख रहा है, इसका मतलब एम ए यहाँ पे भी है। चलिए इन दोनों में देख लेते हैं एम ए में क्या कॉमन है। मुझे पता है कि आर ए का कोड तो नहीं होगा, ये तो इसका नहीं है कॉमन, अब और कॉमन क्या क्या है दोनों में, क्योंकि इसका कोड तो आ चुका ना, आर ए का कोड है ये तो इसका नहीं हो सकता एम ए का। और क्या कॉमन है दोनों में, देखो दोनों में कॉमन है आपका परसेंटेज इसमें भी है और परसेंटेज एम ए वाले में भी है। ठीक है, इट मीन्स कि एम ए का कोड आ गया परसेंटेज। अब मुझे एम ए का कोड ही पता चल गया, आर ए का भी पता चल गया, तो एल ए का क्या होगा, इसका कोड तीनों को देखो क्या बच गया, ये मुझे पता था आर ए का है, ये एम ए का है, तो बचा क्या हैशटैग वाला, ये ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है, अगर बेसिस से करना तो बना सकते हो, आपको मैंने कल भी सिखाया था इसका, मैं एक कोडिंग वाले फॉर्म का ये क्वेश्चन कल भी एक आएगा, कोडिंग वाला एक 8 मिनट का मेरा वीडियो है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा। ठीक है, उसको आप देख लेना, 8-9 मिनट में कोई भी कोडिंग, बड़ी से बड़ी कोडिंग आप डायरेक्टली बना सकते हो बिना कुछ सॉल्व किए हुए। ठीक है, चलिए
सिर्फ आपको एक लाइन नहीं लिखनी है, जो क्वेश्चन में दिया वो सीधा आंसर देगा आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स स्टार्ट करता है प्लेस ए से 4 किलोमीटर ईस्ट चलता है, चलिए करते हैं इसको। एक्स स्टार्ट करता है ए से 4 किलोमीटर चलता है, वो किस साइड? ईस्ट, ये है 4 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। फिर वो बी पे पहुँच जाता है, यहाँ पे बी है, देन राइट टर्न लेता है, यहाँ से राइट टर्न नीचे होगा। राइट टर्न लेने के बाद आफ्टर गोइंग 3 किलोमीटर स्ट्रेट ही स्टॉप्स प्लेस सी, यहाँ पे कितना चलता है? 3 चलता है, सी पे आकर रुक जाता है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी? तो आसान क्वेश्चन है, ट्रिपलेट बन रहा, 3 4 5 इसका आंसर आ जाएगा, 5 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। तो गाइस ये था आपका रीजनिंग का सेट, ठीक है, रीजनिंग का सेट। अब हम मिलते हैं मैथ के सेक्शन में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली सेशन में। हाँ, और वो सेट जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा उसका आंसर आपको बता देता हूँ। चलिए भाई, टेक केयर।